सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है। तो अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ नहा धोकर, तो बाकी दीदी नहाने गई है। तो गाइस, अभी मैं ट्यूशन में, अभी टाइम होने वाला है, तो आप देख सकते हो 10 बजने में 5 मिनट रह गए। उम्मीद दीदी भी ना बहुत बुद्धू है, टाइम पे नहीं नहाती है। दीदी बुद्धू है और उनको लेट नहीं करवा देगी। ओहो, स्पिनर है लवी के पास, लाओ देखो। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहा धोकर तो सब रेडी हैं, बस अभी टीचर आने गई है और इन लोगों का 10 बजे का ट्यूशन है, और बाकी अभी 10 बजने में 5 मिनट है, अभी टीचर नहाने गई है जस्ट। क्या कि देखो भाई, लवी तो नौटंकी करती रहती है, और बाकी आज मैंने येलो वाली टी शर्ट डाली और काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग तो अब जाएंगे ट्यूशन, और जो फ़ोन, और देखो लवी ने फ़ोन ले लिया, टीचर आने गई है, और मम्मी जी धो रही हैं अभी कपड़े। आज मशीन ही लगाई मम्मा, क्यों थोड़े से कपड़े? ये थोड़े से हैं, इतने सारे थोड़े से हैं। ये देखो ना, इस बाल्टी में भी है टप, पूरा आधे से ज़्यादा हो रहा है, ये भी कर रहे हैं। बताओ भाई साहब, मम्मी जी तो लवी, दलिया खाओ अपना, दलिया खाओ, खाओ, चलो खाओ दलिया। तो कैसे अभी अम्मा जी ने यहाँ पर पूजा भी कर दी, और अपने मस्त भगवान जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे रॉकी किस पास, पानी वाले भी आए हैं। तो गाइस, ये देखो, ये जो चंदन हम लगाते हैं ना, वही वाला यहाँ पर रखा है, और ये बिल्कुल प्योर चंदन है। कहाँ का है पता नहीं, बहुत दूर का, वैष्णो देवी का पता नहीं कहाँ का है। तो गाइस, अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, मस्त एकदम पढ़ाई चल रही है, थोड़ी पढ़ाई करी, अभी 1 घंटा हो गया लगभग, 11:30 बज रहे हैं, तो हो सकता है टीचर वगैरह भी आने वाले हों, 12 तक आ जाएंगे वो लोग। तो गाइस, ये देख सकते हो यहाँ पर अपनी मस्त पढ़ाई चल रही थी, और बाकी अम्मा जी देखो, मम्मी जी को देखो, स्पिनर घुमाने में लगी हैं। बच्चा और नहीं, अम्मा जी देखो, मम्मी जी को देखो पहले। लाली भी एक उंगली पे कर लेती है, ये तो मैं भी कर लूँ। तो गाइस, अम्मा जी का कहने का पूरा मतलब यही है कि लवी को आज से हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना हाथ तोड़ दिए जाएंगे, मतलब मार पड़ेगी हमारी भी। तो अम्मा जी कह रही हैं कि लवी को हाथ नहीं लगाना है आज के बाद। तो चलो, पढ़ाई तो थोड़ी देर कर ली, अब थोड़ी देर और करते हैं, उसके बाद मिलते हैं 11:30-12 पर। तो गाइस, मम्मी जी को देखो, नाक पर स्पिनर घुमा रही हैं। मम्मा एक बार और प्लीज़, अभी देखना, अभी देखना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओ भाई, ओ ओ, नागपुर घुमा लिया, ओ भाई नागपुर घुमा लिया। तो गाइस, अभी मम्मी जी अपना दलिया ले आई हैं, मम्मी जी दूध वाला खाएंगी और मैं ये वाला खाऊंगा। तो चलो, अभी दलिया खाते हैं, मजे आ जाएंगे भाई साहब। तो गाइस, अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं 12:30, और बाकी अभी भी जस्ट टीचर और लवी वगैरह सब आए हैं, और लवी तो देखो स्पिनर में लग गई है आते ही। लवी स्पिनर कितनी तेज घूमता है, ज्यादा तेज तो घुमा ही नहीं रही, घुमाना ही नहीं आ रहा। और टीचर आते ही मोबाइल में लग गई है, और बाकी यहाँ पर हम हॉरर नाटक देख रहे थे, सीरियल। हाँ, और गाइस, अभी चलो बाबा जी से पूछने चलते हैं, साइकिल लेने चलेंगे आज या फिर नहीं। बाबा जी, साइकिल लेने चलोगे आप? चलो चलो साइकिल लेने प्लीज, चलो आज ले आए, मैं कैसे ले आऊँगा, चलो प्लीज़ साइकिल लेने प्लीज़, मैं चल रहा हूँ बाइक से, चलना चलो चलो चलो, हाँ साइकिल चाहिए मुझे। तो गाइस, अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि अभी मैं सो रहा था, और बाकी अभी लवी रोई ना, तो 5 मिनट पहले मैं उठा, और बाकी बनियान में उसके लिए सॉरी। और देखो, अभी टीवी देख रहे थे हम, यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं, और अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा सीन हो गया कि मतलब क्या परेशान मत करिए, सो गई है। हाँ, कि मतलब लवी है ना, अभी रो रही थी ना 5 मिनट पहले तक, तो किस लिए रो रही थी, ऐसा था मम्मी जी ने भूना था जीरा, जीरा भूनते हैं ना, तो उसको मम्मी ने चमचे पर भूना, अब चमचा मम्मी जी ने रख दिया सिंक के अंदर, और लवी भाई साहब इतनी ज़्यादा चुल्लो मची लवी के, लवी चमचा उठाकर चल दी। बट ग्लास मंगाया था, अच्छा लवी एक्सपेरिमेंट करके ग्लास ले गया, वो चमचे उठा के लीजिए भी पागल, तो चमचा उठाया इसने, इसको इतनी ज़्यादा चुल्लो मची चमचा उठाने की, भाई साहब पूरा हाथ जल गया यहाँ पर, लिटरली इन इन जगहों पर लिटरली चारों पांचों उंगलियों में फलक ही फलक हो गया है ना मम्मा।
अभी इतनी देर से तो देखो पानी में हाथ डालकर बैठी हुई थी, ये पानी रखा हुआ है, ये देखो गंदा पानी है, हाथ डालकर बैठी हुई थी, बर्फ का था, मतलब थी तो बर्फ बट अब पानी बन चुकी है बेचारी लवी, तो पता नहीं क्या हो गया, देखते हैं थोड़ा सा इलाका। रोएगी वैसे गाइस आपको दिख ही रहा होगा कि पानी में हाथ था या नहीं, इसका सिकुड़ रहा है हाथ। अम्मा जी आपको पता है लवी जल गई है, फलक पड़ गए हैं पूरे हाथ पे, यहाँ पर इन जगहों पर फलक हो गए, जब उठेगी तब आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी फिलहाल बड़ी ही मुश्किलों से मैंने हाथ लवी का पलटा है, और बाकी अभी पूरा तो दिख नहीं रहा, बट ये मेन देख सकते हो आप, ये दो फलक पड़ रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये तो, और एक ये है, और बाकी काफ़ी जल गई है ये देखो, ये उंगलियाँ इसकी बिल्कुल ऐसी सिकुड़ गई है खाल, काफ़ी ज़्यादा जल गई है, और एक यहाँ पर फलक पड़ रहा है बड़ा सा, ये दिख भी रहा है क्या नहीं, अगर दिख रहा हो तो कमेंट में जाकर बताना, और बाकी दिख रहा है अम्मा जी, अम्मा जी को भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब रियलिटी में दिख रहा है, बट वो वीडियो में तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये उंगली वाले दिख रहे हैं या नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा जल गई बेचारी, रो रो कर सोई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा सा लग रहा है इसके लिए। गाइस मैं अभी सो के उठ गया हूँ, गाइस अभी तो मैं सो के उठ चुका हूँ, और मैंने देखा मेरी जलन बंद हो गई। गाइस मेरा ना हाथ जल गया था चमचे से, गरम चमचे से, पता है आपको? अच्छा लवी का हाथ जल गया था, दिखाना लवी, यहाँ पे बस चार पांच जगह पर फलक हो गए हैं ये देखो, एक तो यहाँ पर हुआ है उंगली में दिख रहे होंगे, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक ये रहा यहाँ पर, एक की काफ़ी माइनर सा इधर है, और ये भी काफ़ी सही सही है, ये यहाँ पर है, और भी कहीं पर है अच्छा कैसे कैसे लग गई थी आप बताओ पूरा। दीदी ने मुझे बोला था कि गरम चमचा, दीदी ने बोला था कि चमचा, दीदी ने बोला था कि चमचा ले, मैंने गलती से गरम चमचा उठा लिया, गरम चमचा उठा लिया मम्मी जी ने जिसमें चौक लगाया था, है ना? हाँ तो देख के करा करो, है किचन में हर चीज बड़ी बड़ी गरम होती है, ठीक है, गरम होती है ना किचन में हर चीज, ठीक है, देख कर करा करो। तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल लवी के भी देख सकते हो बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, क्यों लवी हो रहे हैं ना, और मैं सोच रहा हूँ कि लवी के बाल ही कटवा लें, वैसे भी बोर हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं इधर से, बड़े बड़े कटवाना है ना, थोड़े से कटाना। ये लवी कह रही वन साइड मेरी तरह कटवाने की पर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेगी, जो अभी इसकी कटिंग हो रही है ना, ये देखो ये जो अभी कटिंग हो रही है इसकी, इसी के थोड़े थोड़े छोटे करवा देंगे बाल, इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है वाली कटिंग, क्यूट लगती है, तो अभी चलते हैं फटाफट से कटिंग करवाने इसकी, चलो अब मम्मी से पूछते हैं कटिंग करवा कर आनी है या फिर नहीं। मम्मा लवी के बाल कटवा लाऊं? बड़े हो रहे हैं, कटवा ला, सुन नियम कीजिए इधर आ बाबू, इसके जे जे सारे जे गोल कर दो, ठीक है, ये भी हाँ गोल करवाना, क्यों हाथ पे बाल नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ जैसे इसके हो रहे हैं इसी की छोटी कर दूंगा सारे बाल, ऐसे छोटे वाले ज्यादा छोटे कर दो, जो आँखों पे आ रहे हैं ये थोड़े ज्यादा छोटे कर दो, बाकी साइड के तो रहने दो, थोड़े लाओ 50-100-60 रुपए दे दो, इसके कटिंग के थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो अभी गाइस पहले हम जा रहे हैं अम्मा जी की दवाई लेने के लिए, और उसके बाद जाएंगे फिर लवी के बाल कटवाने के लिए, अभी तो बाइक चला रहे हैं, तो चलो अभी चलते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के दवाई लेने अम्मा जी की। कल तो माजा ही देना, फ्रूटी मत देना, माजा दे देना। क्या पता है क्या कह रहे हो बताओ पहले, मेरी और अम्मा जी एक आपकी एक मेरी है, चलो चलो भाई साहब पीते हुए चलते हैं।
चलो भाई अब चलते कटिंग करवाने। भैया इसकी जो कटिंग हो रही है ना, मतलब इसी में थोड़े थोड़े बाल छोटे करने हैं, और कोई चेंज नहीं करना है। जो ये कटिंग हो रही है इसी में थोड़े थोड़े बाल छोटे कर देना, ठीक है। ये डेक सही लगाया भाई। सही हुई कटिंग? क्यों भैया मुँह पे से बाल हटा दिए? अच्छी लग रही है वैसे तो, सही है। चलो घर चलते हैं, आ जा लवी, आओ चलें घर। चलो मम्मा देखना सही हुई है कटिंग? सही हुई है। तो गाइस अभी फिलहाल कटिंग करवा कर तो घर पर लौट कर आ गए हैं, और बाकी अभी देखो 7 बज रहे हैं, और अभी एडिटिंग भी करूँगा, अपलोडिंग भी करनी है। तो चलो गाइस अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। होपली आप सब लोग को ब्लॉग पसंद आया, वो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।